और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। थाना मलपुरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, वाहन चोरी करने वाले अभियुक्तों को भेजा जेल। थाना मलपुरा पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों भगवान पुत्र ताराचंद निवासी खेरिया मोड़, सूरजपाल पुत्र वेद प्रकाश निवासी धनोली को वाहन चोरी के मामले में आज जेल भेजा। पूरा मामला थाना मलपुरा क्षेत्र के ग्रीन पार्क मैरिज होम का है। एक शादी समारोह में शामिल होने आए ज्ञानेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी मधुनगर आगरा के द्वारा थाना मलपुरा पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी गाड़ी को संख्या UP 80GJ 4182 शादी समारोह में से गायब हो गई, जिसको अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए गाड़ी की शिनाख्त शुरू की तो पुलिस को कुछ समय पहले थाना मलपुरा क्षेत्र के ही एक गांव से हुए वही गाड़ी बरामद हुई, लेकिन गाड़ी में से इंजन और गियर बक्सा गायब था। पुलिस ने मामले की खोजबीन शुरू करते हुए और सतत प्रयासों के द्वारा कल रात को घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पूरे मामले पर SP पश्चिम सत्यजीत गुप्ता का कहना है, थाना मलपुरा पुलिस की थाना अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व के द्वारा थाना मलपुरा पुलिस ने एक वाहन चोर गैंग को पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ से पता चला कि वह इको गाड़ी की चोरी करते थे और उस गाड़ी के विभिन्न सामानों को गाड़ी में से निकालकर बाजार में बेचने का काम करते थे। इन चोरों ने हाल ही में मलपुरा क्षेत्र में एक इको गाड़ी चोरी की, जिसके थाना अध्यक्ष मलपुरा अरुण कुमार बलियान, SI अनुज सिरोही, SI विवेक बलियान, कांस्टेबल अमित व कांस्टेबल अरविंद के सतत प्रयासों से सफलतापूर्वक वाहन चोरों को पकड़ लिया और उन्हें मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। शीतल सिंह की रिपोर्ट। सर, थाना मलपुरा में इको चोरी की गाड़ी का क्या मामला है? दिनांक 19/5/2021 को थाना मलपुरा में एक चोरी की घटना दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि एक मारुति इको गाड़ी चोरी कर ली गई। वो व्यक्ति अपने शादी समारोह में गया था, जब वापस आया तो उसको अपनी गाड़ी नहीं मिली। इसी पे मलपुरा थाना द्वारा इस पूरी घटना पे वर्कआउट किया गया। इसमें दो अभियुक्त को पकड़ा गया है, जिसका नाम भगवान और सूरजपाल है। इनसे पूछताछ की गई। इनके कब्जे से दो देसी तमंचे बरामद हुए हैं, साथ के साथ 3 इको गाड़ी बरामद हुई हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनका मेन जो टारगेट होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है, वो मारुति इको गाड़ी होती है। ये इको गाड़ी चुराते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, इंजन हैं, सारे उसको काट देते हैं, अलग अलग उसको बेचते हैं। इनके पास से जो सामान बरामद हुआ है वो वेल्डिंग मशीन, कटिंग मशीन, ड्रिल मशीन, तमाम जो टूल्स कटिंग के लिए यूज़ होते हैं वो सारे इनसे बरामद हुए हैं। और जो 3 गाड़ी इनसे मारुति को बरामद की गई है, इसके संबंध में और जानकारी की गई तो 3 अलग अलग थानों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ मालूम चला है। एक सदर का है, एक मलपुरा का है और तीसरा जगदीशपुरा का है। इसमें जो आगे की विधि कार्रवाई है वो पूछताछ करके उसको अमल में लाई जा रही है।